देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि कल मात्र 12 घंटे में सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 126 मिलीमीटर बारिश हुई, और अगर हम 24 घंटे का हिसाब देखेंगे तो कल सुबह से आज सुबह तक 150 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई। 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि दिल्ली में जितना बरसात में पूरे सीजन में पानी बरसता है उसका 20% पानी मात्र 24 घंटे में बरसा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बारिश, 20% बारिश मात्र 24 घंटे में हो जाए, उसके लिए उस तरह से तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसा कि कल भी आपने देखा कि जब बारिश हुई, बारिश जब खत्म हुई फाइनली उसके 1 से 2 घंटे में, हर जगह हमारे पंपिंग स्टेशंस चालू थे, हर जगह से पानी ड्रेन आउट कर दिया गया। और आज भी मैं भी, दिल्ली में मेयर भी, बाकी सब मंत्री भी, जो जो मेजर वाटर लॉगिंग स्पॉट्स हुए उन वाटर लॉगिंग स्पॉट्स में हम आज आए हुए हैं ये देखने के लिए कि एडिशनली क्या व्यवस्था करी जा सकती है। जैसे हम ITO पे खड़े हैं, यहाँ पे सड़क के उस पार एक पंपिंग स्टेशन है जो लगातार कल काम कर रहा था। 100 मिलीमीटर रेन तक की तो तैयारी हमारी दिल्ली सरकार की अपनी PWD की सड़कों पर रहती है, लेकिन क्योंकि कल 150 mm बारिश हुई, अब उसके हिसाब से हम अपनी पंपिंग की कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक को इनकन्वीनियंस हुई है, उस एक एक स्पॉट को जाकर आज हम एग्जामिन करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी अफसरों की लापरवाही से वाटर लॉगिंग हुई है जो प्रिवेंट की जा सकती थी, तो अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाए। हम आपके पीछे ही देखिए मलबा पड़ा हुआ है कितना, मानसून को लेकर आपको लगता है ये तैयारी नहीं थी, पहले ही यहाँ पर काम होना चाहिए था, मलबा हटाया जाना चाहिए था शायद। ये भी देखिए यहाँ पर पानी, आप देखिए जो ड्रेन है वो यहाँ पर नहीं है, ड्रेन इसके पीछे है, तो मलबे की वजह से पानी नहीं रुका है। यहाँ पर पानी इसलिए रुका है क्योंकि 100 mm की कैपेसिटी के हिसाब से, 100 mm बारिश की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर ITO में हमने पंपिंग स्टेशंस मॉनसून के लिए बनाए हुए हैं। पंपिंग स्टेशंस पूरी तरह से फंक्शनल थे, लेकिन जब 150 mm बारिश होती है तो हम अब अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी तैयारी चाहे PWD हो चाहे MCD हो, उन्होंने करी है, लेकिन 150 mm बारिश का खामियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं, और उसके लिए तुरंत कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए निर्देश दे दिए हैं। कल रात को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सारे डिपार्टमेंट्स को ये क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि आज संडे होने के बावजूद कोई भी छुट्टी पे नहीं रहेगा, सारा फील्ड स्टाफ, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, अर्बन डेवलपमेंट का हो, PWD का हो, MCD का हो, सारा फील्ड स्टाफ आज ग्राउंड पर है। कैपेसिटी हम इन्हांस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि दिल्ली वालों को असुविधा ना हो, लेकिन अभी भी अगले 2 दिन तक दिल्ली वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से येलो अलर्ट पर है। अभी भी, आज भी और कल भी मूसलाधार बारिश की संभावना है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान से अपनी देखिए। अब यमुना के स्तर पे भी हमने क्लोज नजर रखी हुई है। आज सुबह ही हथनी कुंड बराज से 45,000 क्यूसेक्स पानी को छोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि 11 तारीख को, परसों, दिल्ली में यमुना का स्तर डेंजर मार्क के ऊपर बढ़ जाएगा। हमने एक बहुत क्लोज उस पर कड़ी नज़र बनाई रखी है, आज भी और कल भी। आज हमारे सारे ऑफिसर्स जो जिनकी यमुना पर ड्यूटी रहती है, सारे इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। कल सुबह मैं खुद यमुना फ्लड प्लेन्स में, जहाँ जहाँ पे हमारी तैयारी है इवैक्यूएशन की, हमारी रिलीफ की, उस सब का मुआयना करने कल सुबह मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि अब हथनी कुंड से पानी छूट गया है तो 11 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि यमुना भी डेंजर मार्क के ऊपर हो जाए। ठीक है।